एमएस वर्ड पे आज आप सीखेंगे फॉन्ट ग्रुप का यूज करना, फॉन्ट पे फॉर्मेटिंग करना। टेक्स्ट में अगर हमें कोई डिजाइन अप्लाई करना है तो हम होम टैब का फॉन्ट ग्रुप का ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसे थोड़ा डार्क बोल्ड करना चाहते हैं तो बी में प्रेस करें, और अगर इसे नहीं चाहिए, इसे हटाना चाहते हैं, तो वापस बी में प्रेस करके उठा सकते हैं। इसका शॉर्टकट हो जाता है कंट्रोल प्लस बी। आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी प्रेस करके बोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको इसे उठाना है तो फिर से कंट्रोल प्लस बी प्रेस करके बोल्ड को हटा सकते हैं। अगर आपको इसे थोड़ा सा टेढ़ा यानी इटैलिक करना है तो आप पहले टेक्स्ट को वैसे ही सेलेक्ट करिए, करने के बाद आई पे क्लिक करिए या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई प्रेस करिए। अगर आपको टेक्स्ट में अंडरलाइन देना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, यू पर क्लिक करिए। अगर आपको और भी अलग डिज़ाइन में अंडरलाइन देने की आवश्यकता है तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए। यू के साइड में एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, अगर आप इससे भी अलग डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो मोर अंडरलाइन में जाइए। जाने के बाद फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का फॉन्ट स्टाइल ड्रॉप डाउन को क्लिक करके यहां से चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद ओके प्रेस करिए, ये यहां पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो आप अंडरलाइन ड्रॉप डाउन में जाइए और नीचे दिए गए ऑप्शन अंडरलाइन कलर में जाके यहाँ से अंडरलाइन कलर चूज कर सकते हैं। अगर अंडरलाइन को उठाना है तो वापस से आप यहाँ पे क्लिक करिए यू पे, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यू करिए, अंडरलाइन ऑफ हो जाएगा। अगर आपको कोई सेंटेंस को काटा हुआ दिखाना है तो आप उस सेंटेंस को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे दिए गए स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन पर क्लिक करिए। वापस से इसे उठाने के लिए सेम वही प्रोसेस करिए, उस सेंटेंस को सेलेक्ट करिए और स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन हाइड कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट काम करेगा अपने ओरिजिनल लाइन के नीचे टेक्स्ट लिखने में। जैसे हमने यहाँ पे H2O लिखा, सही तरीका होता है 2 नीचे होना चाहिए। 2 को हम सेलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे, 2 नीचे आ जाएगा। इसे हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, पहले H को लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट को ऑन करेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, वापस से फिर सबस्क्रिप्ट को ऑफ करेंगे और O लिखेंगे। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस इक्वल। आप वापस से कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस करके इसे ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद वाला ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। अगर हमें एक्स स्क्वायर लिखना हो, एक्स मैंने लिखा, 2 लिखा, 2 इसके बराबर में आ जा रहा है, 2 को हम सेलेक्ट करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट को ऑन करेंगे, ये अपने ओरिजिनल लाइन के ऊपर चला जाएगा। अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट को ऑफ़ करना है, वापस से जाके सुपर स्क्रिप्ट को ऑफ़ कर दीजिए, या फिर शॉर्टकट की प्रेस करिए कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। इसके बाद का ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस के अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस। नॉर्मली हम जो टाइप करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये हो जाता है हमारा सेंटेंस केस। लोअर केस हो जाएगा, टोटली उस सेंटेंस को लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस उस सेंटेंस को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका दूसरा नाम है टाइटल केस। जिस तरह से टाइटल लिखने का रूल होता है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, कैपिटलाइज ईच वर्ड हमारे टेक्स्ट को टाइटल केस में कन्वर्ट कर देता है। टोगल केस कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑपोजिट होता है। लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टोगल केस। चेंज केस का शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस में जितने भी ऑप्शन हैं सिवाय टोगल केस के, सारे ऑप्शन का शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 ही है। आप शिफ्ट प्लस
F3 प्रेस करते जाओगे जो सेलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा वो ऑटोमेटिक अलग अलग केसेस में कन्वर्ट होते रहेगा। उसके बाद का ऑप्शन है हाईलाइट। अगर आप पैराग्राफ के किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करके रखना चाहते हो तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। पहले उस सेंटेंस को सेलेक्ट करिए और टेक्स्ट हाईलाइट में क्लिक करिए। आप इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, पहले हाईलाइट को क्लिक करिए, उसके बाद जिस सेंटेंस को हाईलाइट करना है इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। वापस से हटाने के लिए सेलेक्ट करिए और टेक्स्ट हाईलाइट पर क्लिक करिए। इसे आप अलग अलग कलर्स पर भी हाईलाइट कर सकते हो। पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, हाईलाइट के साइड में दिया गया ड्रॉप डाउन ऑप्शन को क्लिक करिए और किसी और कलर पर क्लिक करिए। इसके बाद वाला ऑप्शन है फॉन्ट कलर का। फॉन्ट कलर अप्लाई करने के लिए पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, आइकॉन के साइड में दिया गया ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और यहाँ से कलर चूज़ करके दे सकते हैं। अगर इसके अलावा और कलर की आवश्यकता होगी तो मोर कलर पे जाके यहाँ से स्टैंडर्ड कलर से कलर चूज़ कर सकते हैं या फिर कस्टम कलर पे जाके किसी भी कलर पर क्लिक करके इसका लाइट सेट और डार्क सेट क्लिक करके ओके प्रेस करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, उसके बाद फॉन्ट फेस पर दिए गए ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके यहाँ से आप जो फॉन्ट देना चाहते हैं वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फॉन्ट फेस का डायरेक्ट शॉर्टकट दिया नहीं होता है। अगर आप इसका शॉर्टकट चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट का ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम एक सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करते ही सारे टैब्स के ऊपर शॉर्टकट लेटर्स विजिबल होने लगेंगे। आपको जो टैब में जाना है वो लेटर को प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट फेस के ऊपर डबल F शो हो रहा है। आप डबल F कीबोर्ड से प्रेस करके फॉन्ट फेस एक्टिव करके डाउन एरो की प्रेस करके फॉन्ट स्टाइल को सेलेक्ट करिए, उसके बाद एंटर की प्रेस करिए। उसके बाद फॉन्ट साइज़ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ है 72, मिनिमम है 8। अगर आपको इससे भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है तो आप ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ में आप जब फॉन्ट साइज़ को देखेंगे, यहाँ पर इवन नंबर्स पर दिया गया है, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18। अगर आपको इसके बीच का कोई फॉन्ट साइज़ देना हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं दे सकते, उसके लिए आपको शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा। फॉन्ट साइज़ का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और इसे छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करके छोटा कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी ये शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो ये आपका फॉन्ट साइज़ यहाँ पे जो क्रम अनुसार दिया गया है वो फॉन्ट साइज़ अप्लाई होगा। अगर आप इसके बीच का किसी ऑड नंबर साइज़ को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा, और इसका शॉर्टकट होगा कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट करूँ तो ये 20 के बाद 21 हो रहा है, 22, 23। इसके बाद का ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्लियर फॉर्मेटिंग आपके टेक्स्ट पर जितने भी डिज़ाइन हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग एक ही बार सारे डिज़ाइन को क्लीन कर देता है। क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। मैं एक बार अंडू कर लेती हूँ और शॉर्टकट अप्लाई करती हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। आप देख सकते हो सारा फॉर्मेट चला गया है। क्लियर फॉर्मेटिंग सिर्फ दो ऑप्शन पर काम नहीं करता है, एक टेक्स्ट हाईलाइट पर और दूसरा चेंज केस पर। इसके पहले के वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें।